हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सावी। कुकिंग विद सावी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कांदा भजी। कांदा भजी बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, और ये बारिश के मौसम में तो काफ़ी ही ज़्यादा खाने का मन करता है। तो हमारे यहाँ दो दिन से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो सोचा कांदा भजी की रेसिपी आपके लिए भी शेयर करूँ। तो चलिए कांदा भजी बनाना शुरू करते हैं। कांदा भजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 कांदे लिए हैं। मैं इसे थोड़ा तीखा खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च भी ली है। सबसे पहले हम कांदे के छिलके निकाल लेंगे। कांदे के छिलके निकाल के कांदे को एक बार वॉश कर ले। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनाऊं। आप देख सकते हो कांदे के छिलके मैंने निकाल के रख लिए हैं। मैंने मिर्ची के भी ऊपर के जो डंटल होती है उसे भी निकाल के रख दिए हैं। अभी मैं मिर्ची को छोटे छोटे पीस में काटूंगी। मिर्ची को ज़्यादा बड़ा ना रखें। मिर्ची छोटी कटी हुई रहेगी तो खाने में अच्छी लगेगी। आप देख सकते हो मैंने मिर्ची कितनी छोटी कट की है। कांदे की हमें लंबी स्लाइस करनी है, क्योंकि कांदा भजी बनाना है तो कांदे की लंबी स्लाइस ही बेटर रहेगी। इसी तरह से हमें सारे कांदे की स्लाइसेस करके रखना है। ज़्यादा बड़ी कांदे की स्लाइस ना करें और ना ही ज़्यादा पतली करें, मीडियम साइज़ की ही करें। जिस तरह से मैंने यहाँ पे स्लाइस की है उसी तरह से स्लाइस करें। इसी तरह से सारे कांदे की स्लाइस करके रख ले। आप देख सकते हो कांदे एक एक करके खुल गए हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें मैं कांदे डाल रही हूँ। सारे कांदे बाउल में डाल ले। यहाँ पे मैंने सारे कांदे बाउल में डाल दिए हैं, और जो मिर्ची कट की थी उसे भी डाल दिया है। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। मसाले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर लूँगी। आप अजवाइन ज़रूर डालें, क्योंकि अजवाइन डालने से कांदा भजी में स्वाद काफ़ी ही अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे अजवाइन को अपने दोनों हाथ में बीच में रख के मसल के डाला है। उसके बाद आप अपने स्वाद अनुसार जितना नमक डालें। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच जितना नमक डाला है। और अब हम बाइंडिंग के लिए यहाँ पे बेसन यूज़ करेंगे, क्योंकि भजिए में बेसन ही यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे 1/2 कप जितना बेसन लिया है, और मैंने 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पे ऑयल भी डाला है। सारे स्पाइसेस और सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर ले। अगर यहाँ पे आपको बेसन थोड़ा कम लगता हो तो आप बाद में बेसन भी ऐड कर सकते हैं, जिससे भजिए में बाइंडिंग अच्छी आए। आप देख सकते हो एकदम मसाला प्रॉपर बना है। आप देख सकते हो भजिया भी बन रहा है, बाइंडिंग काफ़ी ही अच्छी आई है। इसी तरह से आपको बना के रखना है। अभी हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। उसके बाद फ्राई करने के लिए हम यहाँ पे कढ़ाई यूज़ करेंगे। कढ़ाई में हमें ऑयल डालना है। ऑयल को अच्छे से गरम होने दे।
यहाँ पे ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम भजिए बनाएंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरह से भजिए को डाल रही हूँ, इसी तरह से आपको भी भजी को डालना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर ले। आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। इसे अच्छे से फ्राई होने दे। ये देखिए कांदा भज्जी एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसे निकाल लेंगे हम कढ़ाई से। सारे कांदा भज्जी को निकाल ले एक प्लेट में। इसी तरह से हमें बाकी बैटर के भी भजिए बना के रख लेने हैं। आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। इसी तरह से सारे कांदा भजी बना के रेडी कर ले। यहाँ पे मैंने सारे कांदा भजी बना के रेडी कर लिए हैं, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। आप देख सकते हो कांदा भजी बन के कितनी अच्छी लग रही है और ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, एकदम से अच्छी लग रही है। इसे मैं सॉस और चाय के साथ ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने चाय भी बनाई है। चाय के साथ कांदा भजी खाने का मज़ा अलग ही होता है। इसे मैंने सॉस और चाय के साथ में सर्व किया है। आप चाहे तो चाय या सॉस दोनों में से एक को सर्व कर सकते हो। ये घर आए मेहमान को बना के भी खिला सकते हो। झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।